जयपुर में टोंक रोड पर दो दुकानों में अचानक से आग लग गई। सैनिटरी और म्यूजिकल स्टोर में लगी आग से हड़कंप का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग के चलते टोंक रोड पर लंबा जाम लग गया। जयपुर में टोंक रोड पर दो दुकानों में अचानक से आग लग गई और आग को बुझाने के लिए सूचना पाकर आधा दर्जन से भी अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और अभी भी लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं सूचना पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। सैनिटरी और म्यूजिकल स्टोर में अचानक से आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन आपको बता दें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली। आधा दर्जन से भी अधिक दमकल की गाड़ियां सूचना पाकर मौके पर पहुंचे और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस आग के चलते टोंक रोड पर लंबा जाम लग गया। बता दें आग के चलते टोंक रोड पर लंबा जाम लग गया और वहीं अभी भी लगातार पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी है। एक सैनिटरी और म्यूजिकल स्टोर में अचानक से आग लग गई और स्थानीय लोगों में हड़कंप का माहौल है। इसी खबर पर विस्तार से अपडेट करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है एवन संवाददाता यादवेंद्र। यादवेंद्र, टोंक रोड पर लंबा जाम लग चुका है और अभी भी क्या आग बुझाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं, ताजा अपडेट यह है कि जो टोंक रोड है यहाँ पर जो गट्टे की जो पुलिया पड़ती है वहाँ पर एक म्यूजिकल स्टोर की दुकान है, इसके अलावा एक सैनिटरी की जो शोरूम है वो यहाँ पर मौजूद है। अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से दोनों दुकानों में आग लग गई थी, उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलने के बाद यहाँ पर आधा दर्जन की जो गाड़ियां थी वो मौके पे पहुंची थी, उसके अलावा आधा दर्जन की गाड़ियां है वो और मौके पे पहुंच गई हैं। यहाँ पर आग को बुझाने का जो प्रयास है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ज्योति मैं आपको बता दूं ये जो आग है बुझने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि काफी बड़ा शोरूम है और आग है जो काफी अंदर तक है, जो तमाम जो दमकल कर्मी है वो अंदर तक नहीं घुस पा रहे हैं, क्योंकि कांच जो शोरूम है इस तरीके से बनाया हुआ है, उसका डिजाइन इस तरीके से तैयार किया हुआ है, ऊपर कांचों से बना हुआ है। क्योंकि इस घटना के अंदर जब यहाँ पर आग को बुझाया जा रहा था तो वहां पर 3 से 4 जो दमकल कर्मी है वो चोटिल हो गए थे कांच की वजह से, जिनको यहाँ पर प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पर SLS अस्पताल में भेज दिया गया है, लेकिन तो तमाम जो दमकल कर्मी है वो लगातार आग को यहाँ पर बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। फिलहाल आधा दर्जन की जो गाड़ियां हैं और मौके पे आई हैं और यहाँ पर जो लगातार है आग पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जी यादवेंद्र, क्या इस आगजनी की घटना से किसी की हताहत होने की कोई खबर मिली, और क्या साथ ही जिस तरह से दुकानदार भी वहाँ पे मौजूद होंगे जिनका स्टोर है, ये क्या लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है या फिर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में सामान को बचा पाई या फिर सबको जलकर खाक हो गया? देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि टोंक रोड का एक पूरा यहाँ पर बाजार है, बड़ा बाजार कहलाता है यहाँ पर टोंक रोड पर, और क्योंकि लोगों की जो आवाजाही है वो लगातार होती है, सुबह का जो समय है यहाँ पर जब आग मची थी तो पूरी तरीके से उन्होंने पूरी जो दुकान है वो खाक हो गई है। म्यूजिकल स्टोर का जो सामान था वो पूरी तरह जल करके खाक हो गया है। सैनिटरी का जो सामान था, टाइलें थी, वो पूरी की तरीके से यहाँ पर जो खाक हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो दुकान है बाजार से सटी हुई है, तो ऐसे में यहाँ पर जो आग है दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ना ले लें, इसके चलते यहाँ पर जो तमाम जो दमकल कर्मी है लगातार आग को बुझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बजाज नगर थाना पुलिस भी आई है, क्योंकि टोंक रोड है काफी पॉश इलाका पड़ता है यहाँ पर, तो इस आग के चलते यहाँ पर जो लंबा जाम है वो यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन तमाम जो यातायात जो कर्मी है इसके अलावा जो बजाज थाना पुलिस के जो पुलिस कर्मी है वो लगातार यहाँ पर जाम की समस्या है उसको यहाँ पर दूर करने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। फिलहाल आग है करीब 1 घंटा हो चुका है आग को लगे हुए, और 1 घंटे से यहाँ पर आग को बुझाने का यहाँ पर ज्योति बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमें अपडेट करते रहे। तो एक बार फिर से बता दूं कि आग के चलते टोंक रोड पर लंबा जाम लग गया, क्योंकि आपको बता दें कि टोंक रोड काफी व्यस्त रोड मानी जाती है, और साथ ही लगातार दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।